हे गाइस, वेलकम बैक टू डेली व्लॉग डे 4। तो आज है फ्राइडे, जुमा। इसके लिए जो है ड्रेसिंग, आज कुर्ता पैजामा है। तो कल रात बहुत ही ज़्यादा थक गया था, इसके लिए सहरी में व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:15 हो रहे हैं, तो फटाफट फ्रेशन अप वगैरह हो लिया सब। अभी फटाफट निकलते हैं काम के लिए और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। साढ़े 10 के आसपास मैं पहुंच गया काम पर। तो बहुत ही ज़्यादा धूप सोलापुर में 10 बजे के ही टाइम पे। तो जैसे ही मैं पहुंच गया तो मुझे याद आया कि मेरा जो कूलर है वो कल रात से थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा था, चालू नहीं हो रहा था। तो आज इसको ले जाना था रिपेयर के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार मैं खुद इसको चेक कर लूँ। तो मैंने उठा लिए मेरे हथियार और लग गया इसके रिपेयर के पीछे। बहुत देर की मेहनत के बाद जब इसको फिटिंग किया तो मेरा कूलर चालू हो गया। और इसी तरह दिन की शुरुआत में हमारे 200 से 300 रुपये जो है बच गए। अगर आपको भी अपना कूलर रिपेयर कराना है तो हमें कमेंट मत कीजिए। एक साधारण वायर निकली थी जो कि जोड़ने पर ये कूलर स्टार्ट हो गया। हम कोई कूलर रिपेयरर नहीं है। अभी टाइम हो रहा है 6:20। तो अभी इफ्तारी के लिए निकल चुका हूँ मैं घर के लिए, टाइम कम है तो डायरेक्ट अभी मिलते हैं घर जाके और देखते हैं आज का जो स्पेशल डिश क्या बना है। तो आज बन रहा है दालचा खाना और ये है सेवई। थोड़ी सी लगी थी भूख तो मैं रुका हूँ थोड़ा सा स्नैक खाने के लिए। जल्दी से फिनिश करते हैं और निकलते हैं आगे। तो गाइज, इफ्तारी हो गई, नमाज पढ़ ली है। अभी एक मोबाइल के काम से यहाँ पर आए थे बीजापुर बेस पर, तो उसके लिए रुका हूँ। अभी यहाँ से जल्दी से काम ख़त्म करके घर जाते हैं। और आज वापस से 23वीं शब है तो इबादत करना है रात में। तो अभी यहाँ से काम करके निकलते हैं और मिलते हैं घर जाकर। अभी बज रहे 11:30 और अभी तक मैं घर नहीं गया हूँ क्योंकि बारिश शुरू हो गई है। पिछले 1 घंटे से बारिश में अटके हुए हैं हम। उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी बारिश रुक जाए और हम हमारे घर। तो गाइस, कल रात मुझे घर पहुंचने तक बच गए 1 और बहुत ही ज़्यादा भीग चुका था और बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। सहरी के लिए भी वापस उठना था, इसके लिए व्लॉग को एंड नहीं कर पाए। तो इस वीडियो को आज सुबह एंड किया जा रहा है। तो अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।